जी अयूब साहब किबला बोल रहे हैं? अयूब साहब, कहाँ से? वो राजस्थान से बोल रहे हैं क्या? जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शिमोगा कर्नाटक। अच्छा हाँ जी, सही बात सही बात, भूल गया था। जी सर मैं एक्चुअली मैं आपसे इसलिए फोन किया हूँ कि एक रहनुमाई चाहिए थी। लोग जी बड़ा परेशान कर रहे हैं आजकल, सब जो है नेट पे जुड़े रहते हैं ना, सब परेशान करते रहते हैं। जी लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो तबलीगी जमात वाले जो हैं, जो चिल्ला में लेकर के जाते हैं 3 दिन का, 4 दिन का, 40 दिन का, तो बोलते हैं कि ये जी सुन्नत है, वाजिब है, फर्ज है, क्या है ये? जी ये तबलीगी जमात से ले जाना या वो या 3 दिन का हिसाब? तबलीगी जमात के चिल्ले में लेकर के जाना, जी हाँ, बस यही सवाल है। जी जी इसमें कई सारे सवाल है, तो पहले शुरू से जी समझना चाहते हैं ना, तब तो समझा पाएंगे लोगों को। जी नहीं, ऐसा फर्ज वाजिब कुछ नहीं, बस एक इंसान के अंदर है, खास मुसलमान के अंदर है, आमाल को उजागर करने के लिए और उसका यकीन अल्लाह से जोड़ने के लिए। अब वो एक तो लोग खुद से मस्जिद में जाना पढ़ना बड़ी उम्र में नहीं करते, छोटी उम्र में मकतब में जाते हैं, पढ़ लेते हैं, सब कुछ करते हैं, और कई लोग कुरान की सूरह भी बचपन याद कर लिए, लेकिन बड़े होने का याद नहीं रहते हैं। याद कर लिया तो वो अम्मा के पास, खाला के पास पढ़ लिए थे, उसके अंदर तजवीद भी नहीं और इबारत भी सही नहीं होती, तो इसलिए जो है कि एक 3 दिन कम से कम या 40 दिन ले जाकर उसका एक मुस्तकिल निसाब है, जिसमें नमाज के फजाइल छोड़ने पर वही गए कितना तालीम भी होती है, जिसमें 40 मिनट कुरान का मुजाकरा होता है, जिसके अंदर सूरतें सुनाई पढ़ाई जाती हैं और गलतियां दुरुस्त की जाती हैं। और यह कम तो इस्लाम के अंदर कोई खबात वाला तो काम नहीं है यानी मतलब ये। इसका ये इसको शरई हैसियत क्या देंगे, मतलब क्या बोलेंगे अगर सामने वाला पूछे कि भाई ये चिल्ले में जाना 4 दिन के, 40 दिन के, 3 महीना के, 4 महीना के, जो भी लेके जाते हैं लोग नाम लिखा करके, तो वो हाँ, मतलब उसको सुन्नत बोलेंगे, वाजिब बोलेंगे, फर्ज बोलेंगे या मुस्ताहब बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो? मतलब शरीयत के एतबार से हुक्म पूछते हैं ना सामने वाला। जी, असल में वो तालीम के लिए असल जा रहे हैं, ये मसला समझने के लिए तालीम के लिए असल जा रहे हैं, और तालीम में इल्म हासिल करना शरीयत में तालीम सिद्ध तो रकन फर्ज है। है, तालीम हासिल करना तो फर्ज है। तला बोलो इल्म में फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमात, ऐसा है हदीस में आया है, तो हाँ जी, क्या ये बताएंगे फर्ज है ही जाना, क्या बोले? अगर कोई तालीम के लिए से जा रहा है, मुझे इल्म हासिल करना है नमाजों के बारे में, मसाइल के बारे में, तो उसे उसका सवाब मिलेगा उसे, लेकिन मुस्तकिल में यही अमर फर्ज नहीं है। इसके अलावा दूसरी तालीम के रास्ते हैं, जिस जी, मदारिस में जो तलबा तालीम हासिल तालीम करते के लिए तो हैं। मदारिस है, तालीम के लिए मसाजिद है, और ये सब काम जो है मसाजिद में अइम्मा का या फिर मदारिस में मदरसीन का होता है। बाकी जो चीज लोग चिल्ले में लेकर के जा रहे हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो तो खुद आलिम नहीं होते, तो वो दूसरे को क्या पढ़ाएंगे, ये भी मसला होता है फिर। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तालीम के लिए रास्ता नहीं, कई रास्ते भी हैं, और वो जो मदारिस वगैरह में है, वो मुस्तकिल तलबा साल जो कई साल लगाते हैं, फिर उसमें छोटे तलबा जिसमें बड़े लोग बैठ कर पढ़ना, ये भी शर्म की बात है। और इसके अंदर जी होता क्या है, जो तो अमीर सर है मैं ये अक्सर पूछ ये रहा सला हूँ कि लंबी हो जाएगी गुफ्तगू लगता है हमारी, हम ये बोल रहे जी हैं कि इसको शरई हैसियत क्या देंगे, वो थोड़ा खुलासा कर दीजिए ना। नहीं वही बताना, ऐसे में तालीम ऐसे से जा रहा है तालीम हासिल करने के लिए, तो जिस तरह मदारिस में तालीम हासिल करने के लिए जाता है, तो वही दर्जा इसका भी होगा, मतलब फर्ज और इसके होगा, अंदर दूसरा दर्जा है। हाँ, फर्ज ये होगा फर्ज नहीं होगा, फर्ज जी, नहीं, भाई फर्ज पढ़ने से काफिर हो जाता है, जिसका मदारिस पे जाना है तालीम हासिल करने के लिए, वो भी फर्ज नहीं है, अगर फिर मदरस में नहीं गया काफिर तो नहीं होगा मतलब ना। इतना इल्म हासिल करना तो इंसान पे फर्ज है ना, जितने भी वो हराम और हलाल समझ सके, जरूरियात हाँ, इल्म हासिल से। करना फर्ज है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए जो असबाब इख्तियार किए जाते हैं, जैसे मदारिस है या तबलीग है, ये फर्ज नहीं है। असबाब, असबाब कोई भी इख्तियार कर सकता है अच्छा ठीक है, तो मतलब इसको मतलब आजकल। क्या बोल सकते हैं, मतलब मुस्तहब का दर्जा दे सकते हैं। हाँ, मुस्तक दर्जा फर्ज तो नहीं है,
फर्ज भी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, मुस्ताब है ज्यादा से ज्यादा, है कि नहीं, यही बोलेंगे ना। और एक तारीख सुन्नत की तारीख आप बता सकते हैं जी, सुन्नत सुन्नत की तारीख, सुन्नत जो नबी ने किया हो या सहाबा इकराम को करने का हुक्म दिया हो, या सहाबा इकराम ने किया हो और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मना नहीं किया हो, इस तरीके से हम जो समझ रहे हैं। और जो हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगो अन्नी वलो आया, तो इसमें जो तबलीग है मेरी तरफ से की बात पहुंचे कुरान हदीस वगैरह तो दूसरों तक पहुंचाओ, तो इसका क्या हुक्म है? अब नबी करीम सल्लल्लाहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो सहाबा इकराम मतलब उनके सामने थे कि भाई सहाबा इकराम जो कोई भी हदीस सुनते थे उनको बोलते थे कि भाई तुम दूसरे को पहुंचा दो जिन लोगों ने नहीं सुना हो, और ऐसी तो कई सारी हदीस भी आई है, कई वक्त भी आते थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि हमारे हम लोग ऐसे कौम से आए हैं जो सब नहीं आ पाए, तो आप हमें कुछ बता दीजिए ताकि पीछे वाले को बता दें, लेकिन आज तो वो मामला है नहीं। लेकिन उस फरीजे को क्या कहेंगे, उस काम को जो बंदा इस तरह काम करता है उसका क्या दर्जा होगा वो काम का, तबलीग का? तबलीग अगर मुतलकन तबलीग की बात करें आज के दौर में, तो आज के दौर में तबलीग का काम उलमा का है, झोला का तो है ही नहीं। नहीं, नहीं, अब कहने का मतलब ये है कि जैसे आज तबलीग, जैसे आज हमारे यहाँ में या सबके यहाँ पे आज हमारे मुल्क में जो जुमा में तकरीर होती है, अब आलिम जो है कोई ना कोई हदीस बयान करता है, कुरान की कोई आयत बयान करता है, अब हर आदमी जो है जुमा में नमाजी पढ़ने वाला बोले कि नहीं हदीस में तो आया है कि नबी ने फरमाया कि भाई तुम में कोई बात पहुंचे तो उसको पहुंचा दो, ठीक है, अब वो आदमी सुन के अब सारा आदमी जो है जाके तबलीग करना शुरू कर दे, सबको बोलना शुरू कर दे। नहीं, नहीं, एक एक बात हजरत जी, जो हदीस है बल्ली वाली वाला आया ये मुतलकन है, इसके अंदर उलामा कोई जरूरी नहीं है, ये नहीं कहा कि अल्लाह ने बल्ली को उलामा नहीं कहा, और दूसरे ने समझने की बात ये है कि नहीं नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं हम, नहीं नहीं हम ये बोल रहे हैं बल्ली को अन्नी वाला आया जो है ये सहाबा इकराम उनसे मुखातब थे कि तुम तुम्हारा मेरी बात तुमको जो पहुंचे वो तुम दूसरे को पहुंचा दो जिन्हों ने नहीं सुना हो, ठीक है, अब हम ओलामा से सुन रहे हैं, आज के दौर में तो मामला ये हो रहा है कि ओलामा भी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोले उसमें भी कंफ्यूजन है हमें जी, तो हम कैसे पहुंचा दे आगे, हमको पता ही नहीं है कि आलिम ने जो बात बताई है वो सही बताया है कि गलत बताया, हमको तो इतनी ताकत ही नहीं है कि हम चेक करें कि बुखारी में है कि नहीं, मुस्लिम में है कि नहीं, तो हम आगे कैसे बढ़ाएंगे उसको, और सहाबा इकराम तो डायरेक्ट नबी से सुनते थे उसमें तो शक ही नहीं थी जी। जी, दो तरह का होता है, एक तो ये है कि अच्छा सामने वाला ये भी बोलता है ना सर, सामने वाला ये भी बोलता है सर कि मतलब क्या बोलते हैं कि ये जो चिल्ला में लेकर के जाते हैं, जबकि वो जो चिल्ला मतलब तबलीगी जमात का जो फाउंडर है क्या नाम है, इलियास, इलियास क्या नाम भूल जाऊ मैं, जी जी इलियास कांदेलवी है ना जी जी, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने लिखा है कि भाई तबलीग का तरीका तो मेरा होगा, तबलीग का तरीका तो मेरा होगा और तालीम जो है अशरफ अली थानवी साहब की होगी जी। तो अब वो सामने वाला ये कहता है कि देखो ये खुद कह रहे हैं कि तरीका मेरा होगा, इसका मतलब ये हुआ ये कि ये तरीका जो है नबी का भी नहीं है, सहाबी का भी नहीं है, किसी और सलफ का भी नहीं है, वो तरीका उनका है, और ये कह रहे हैं कि तब तालीम किन की आम करनी है, वो ये नहीं कह रहा कि मैं नबी की तालीम आम करूंगा या सहाबी की तालीम आम करूंगा, वो कह रहा है अशरफ अली थानवी की तालीम आम करूंगा, तो ये बड़ी कंफ्यूजन फैलाते लोग, तो इसमें जो है आम लोगों का जहन जो है मुंतशिर होता है कि जाहिर सी बात है उसने कहा कि भाई हमारा तरीका होगा, इसका मतलब ये तरीका पहले नहीं था, तो फिर इस तरीके को ना सुन्नत कह सकते हैं, इस तरीके को ना सवाब का काम कह सकते हैं, क्योंकि जो तरीका नबी का नहीं है, जो तरीका सहाबी का नहीं है, जो तरीका सलफ का नहीं है, तो वो बिदअत है, तो फिर इस तरीके जो तरीका नबी से साबित नहीं है, सहाबी से साबित नहीं है, सलफ से साबित नहीं है, उस तरीके को अपनाने के लिए इतना जोर देना कि हर जुमेरात को मस्जिद में आ जाना। अच्छा एक बात और है कि दूसरी तरफ ये है कि मतलब हर जुमेरात को जो है जमा जो आ जाती मस्जिद में आ जाती है, तो क्या हर जुमेरात को आना जरूरी समझ के आती है, वो एक जुमेरात भी नागा नहीं करती है, वो क्या है मतलब क्या है उसका? नहीं हरे जी असल में क्या है वो जो पहले वो हर तेलिया की रमत की जो इबारत नहीं है, मतलब क्या होता है कि लोगों में डिबेट होता रहता है ना सर, लोगों में डिबेट होता रहता है, लोगों में बातें होती रहती है कि जैसे हम जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई
कि इसको जम क्यों करते हो, क्या इसको तुम जरूरी समझते हो, चहलुम क्यों कहते हो, इसको तुम जरूरी समझते हो, बरसी क्यों करते हो, तुम इसको जरूरी समझते हो, तो बोलते हैं कि तुम हर साल करते हो, तो अब सामने वाला कहता कि तुम तो हर जुमेरात को आते हो तबलीग लेकर के, तो क्या तुम उसको जरूरी समझते हो, ऐसा बोल रहा है। जी जी नहीं, आपने जो कहा तिल्ला जी हम फिलहाल कहा कि तबलीग तरीका मेरा है और तालीम है तो अच्छा भी थानी की होगी। हाँ, उसमें एक बात और भी है कि उन्होंने खाब में ये तरीका देखा है बोले। नहीं इसलिए तबलीग मेरा मतलब वही नहीं कह रहे कि मैं इसे नहीं से ईजाद करने वाला हूँ, ये मेरा तरीका है। मतलब जैसे देखिए मदारिस के अंदर हर मदरसे के अक्सर अलग अलग कवानीन और उसूल हुआ करते हैं, अब मस्जिद के अलग अलग उसूल हुआ करते हैं, ठीक है। अब कोई मदारिस के मदरसे मतलब कहे कि भाई ये उसूल में मेरे मदरसे के चलेगा और तालीम जो है यहाँ पर किसी बड़े इधारे कर नस्बत कर रहा है कि यहाँ अपना दारुल का चलेगा इसका चलेगा बोलता है, तो उसे हम ये कहेंगे इन्होंने कहा कि मदारिस इनका तरीका है, तो मतलब है मदारिस हुजूर का तरीका नहीं था, नबी का तरीका नहीं था, ये बिदअत ये नहीं कहेंगे, बल्कि वो पीछे से सिलसिला जैसे तबलीग का अल्लाह के नबी से साहबा से साबाइन करते थे वही तरीका है। उन्होंने इसमें एक बेहतरीन निज़ाम लाया हुआ है, ये नहीं कहता कि साहबा से बेहतर निज़ाम, बल्कि आज के जमाने में एक उम्मत को आसान तरीका बताया कि कैसे से लेकर चलते हैं, लोगों से लेकर जा सकते हैं। देखिए वही तो बात है, अभी आपने क्या कहा कि यकीनन जो है वो नबी सहाबाए कराम से बेहतर तरीका नहीं है, जैसा आपने कहा ना, अभी जैसे आजकल लोग बोलते हैं कि अगर तुम ज्यादा नबी को मानते हो तो क्या सहाबा से ज्यादा मानते हो, अगर तुमको लगता है कि ये नेकी का काम है तो क्या ये नेकी का काम सहाबा को नहीं मालूम था, अगर ये नेकी का काम होता तो सहाबी सबसे पहले करते, तो इसी तरीके से सामने वाला ये भी कह रहा है ना कि भाई अगर ये तरीका चिल्ला में लेकर के जाना, तबलीग पे लेकर के जाना, अगर तुम समझते हो कि दीन का काम है तो ये काम पहले सहाबा इकराम करते, उन्होंने नहीं किया, क्या उनको उनसे ज्यादा तुमको दीन की तबलीग की फिक्र है? सहाबा इकराम पूरी पूरी जिंदगी जो है दीन की तबलीग में लगा चुके हैं और तुम जो है पता नहीं वो भी हफ्ते में एक दिन आते हो और तुमको ज्यादा फिक्र लगी हुई है, तो अगर ये तरीका अगर नेकी वाला तरीका होता तो सहाबा इकराम को पहले पता चलता। तो इस तरीके के सवाल हो रहे हैं, समझ रहे सर? तो अब हम लोग जैसे अभी बोलते हैं, अभी अभी जैसे भोपाल में अभी क्या बोलते हैं कि इज्तम होने वाला है, तो इसका मतलब इंडिया में जो है बहुत चर्चा होता है, तो अभी क्या होता है जैसे अगले बार बहुत ज्यादा ही चर्चा हो गया था, वो तो क्या बोलते हैं कि चैनल वगैरह पे भी आ गया था, तो अब सवाल सामने वाला क्या कर रहा है कि एक बात बताओ कि ये जो भोपाल में जो तबलीगी जमात हो रहा है इतने दिन से खर्चा हो रहा है वहां पे, उतना पैसा खर्चा हो रहा है, उतना पैसा खर्चा हो रहा है, काम क्या है? बोले नमाज बताया जाएगा। काम का है? बोले नमाज पढ़ा जाएगा। भाई तो नमाज तुम मस्जिद में आके पढ़ो ना, नमाज तुम अपने मौलवी से जाके सीखो ना, तुम्हारा इमाम क्या करने के लिए है उससे सीखो ना, और इतना सारा पैसा खर्चा किया। दूसरा आदमी बोले पैसा खा लेते, तुम बोलते हो कि अरे ये काम में जो है गरीब की मदद कर देते, किसी बच्चे की शादी करवा देते, तो इतना करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके इज्तिमा करना, तो इज्तिमा करना भी तो नबी का तरीका नहीं है, नबी ने कोई इज्तिमा नहीं किया इस तरीके का, सहाबा इकराम ने कोई इज्तिमा नहीं किया, तो ये सब बिदअत हो गया, तो फिर इतना पैसा खर्चा करना भी इसराफ हो गया, तो इतना पैसा से किसने सारी गरीब बच्चियों की शादी हो जाती, उसकी तालीम हो जाती, तो इतना सवाब का काम हो जाता, तो इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। तो हम लोग मतलब किस तरीके से लोगों को समझाएं, क्या समझाएं, या तो मतलब हम खुद जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं सुन सुन करके। हाँ नहीं, आप एक एक सवाल के जवाब देता था, एक साथ कई सारे सवाल आ गए। और एक मसला क्या है, जो एक तो खुद ये इससे इज्तिमा करना जो है तबलीग का, ये खुद मुसरसी है। हमारे भी कुछ उलमा करम जैसे हमारे खुद उस्ताद भी कहते थे कि तबलीग के अंदर फायदा कम नुकसान ज्यादा है, इसलिए बहुत सामान वहाँ खर्च होता है और फायदा थोड़ा सा होता है उधर ये और बस, लेकिन मुकम्मल इसका फायदा जो है सिर्फ ये नहीं है तबलीग के अंदर नमाज भी सिखाई जाती है, इज्तिमा इतना बड़ा बना कर नमाज सिखाई जाती है, ये तो हर दिन लोग घर उधर जाकर सिखाते हैं या समझाते हैं, इसमें जाने से पता चलेगा क्या होता है। लेकिन दूसरी बात जान था कि ये तबलीग नया तरीका है बोलकर, ये नया तरीका नहीं है, ये असल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जैसे मदारिस हैं। अब आप आपके हिसाब से देखेंगे तो जितने मदारिस चल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, बाहर चल रहे हैं, सब तो बिल्कुल होने चाहिए, इसलिए कि नबी के जमाने में इसका यही तो बात है ना। अब सामने वाला इसलिए बोल रहा है ये सब बिदअत, ये सब उनके नजदीक तो ये मदारिस कायम करना भी बिदअत हो जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि बिदात की जो तारीफ बताई जा रही है कि बिदात उस काम को कहते हैं जो नबी ने नहीं किया, या नबी ने करने का हुक्म नहीं दिया, या साहबी ने नहीं किया, या साहबा इकराम ने करने का हुक्म नहीं दिया, जो खैरुल कुरून में ना हो वो बिदात है। तो अब क्या कहते हैं कि भाई हर चीज में तुम बोलते हो ये इस तरीके से नबी ने किया क्या,
तो फिर वो लोग बोलते इस तरीके से नबी ने किया गया जो तुम तरीके से कर रहे हो, जब इस तरीके से नबी ने किया तो फिर ये तरीका तुम्हारा किधर से आया, हम करे तो बोलते बिदअत, इस तरीके से बोले तो इस तरीके से तुम क्यों करते, बोले कुरान खानी क्यों करते भाई, वो बोले जहल्लुम का कुरान खानी क्या करते, इस तरीके से नबी ने तो कुरान खानी नहीं करवाया तो बोले बिदअत है, तो बोलता फिर तुम्हारा इस तरीके से चिल्ले में जाना कैसे कर सुन्नत हो गया, कैसे सवाब का काम हो गया, ऐसा बोलते। हेलो जी 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 हाँ नहीं हजरत, असल में बिदअत ये एक तो आम तारीफ है कि भाई नबी ने जो नहीं किया वो बाद वाले बिदअत है, ये आम तारीफ है। और अल्लाह के नबी इस्लाम के अंदर कुछ इबादतें जो है मुअक्कत है, वक्त के साथ खास है जी जी, और कुछ इबादतें वक्त के साथ खास नहीं है, गैर मुअक्कत है जी, जैसे जिक्र है, जिक्र वक्त के साथ खास नहीं है जी जी, जिक्र आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। हाँ, जो नमाज है, जैसे नमाज रोजा सुनिए सुनिए, हाँ जी जी, नमाज वगैरह इबादत मुअक्कत में से है, इनको वक्त ही पढ़ना पड़ेगा जी जी, आपको इबादत गैर मुअक्कत हो इबादत मुअक्कत बना ले तो वो भी बिदअत में से है वो जी जी, हाँ इबादत गैर मुअक्कत हो यानी मतलब फिक्स कर ले, यही बोल रहे ना, हाँ वक्त से वक्त की तयन कर ले, जिस वक्त नहीं है हाँ, तो वक्त की तयन कर ले तो बिदअत में शुमार हो जाएगा, इसलिए अल्लाह के नबी के जमाने में या खुद शरीयत में वो वक्त के तयन के सामने था। सही बात है, सही बात है, सुनिए सुनिए, तो इसी को रखकर हम लोग कहते हैं कि कुरान शरीफ का पढ़ना हो या और कोई इबादत हो, ये वक्त के साथ खास नहीं है, नमाज की तरह या हज की तरह वगैरह। अब कोई बंदा किसी के इंतकाल पर वक्त की तयन कर लेता है, 40 दिन में कुरान पढ़ेंगे, 3 दिन में कुरान पढ़ेंगे, इस दिन का फातिहा उस दिन का कुरान खानी, तो ये वक्त के साथ तयन कर रहा है, तो ये वक्त का तयन करना दुरुस्त नहीं है। बगैर वक्त मुतलकन पढ़ लीजिए कुरान, कभी भी पढ़ लीजिए, इसलिए तौर का है, लेकिन 40 दिन तो सेम टू सेम यही बात वो भी कहता है कि हमने कौम की या लोगों की मतलब सहूलत के लिए 3 दिन को खास कर लिया या 40 दिन को खास कर लिया या 1 साल को खास कर लिया, तो तुम कहते हो ये बिदअत हो गया, जबकि ये हम इसको बिदा ये क्या बोलते हैं कि तायीन शरई नहीं समझते, वो बोलता है यानी हम इसको वाजिब नहीं समझते कि इसी दिन करेंगे तभी कुरान खानी होगी, लेकिन अगर फिर भी ये बिदअत है, हमने सहूलत के लिए किया फिर भी अगर बिदअत है, तो फिर तो तुम चिल्ले को भी टाइम करते हो भाई, 3 दिन में जाने का है, 4 दिन में जाने का है, वो 4 महीने का जाने का है, 40 दिन का जाने का है, हर जुमेरात तुमको आने का है मस्जिद में चिल्ला की जमात लेके, तो ये तो टाइम हो गया ना, और ये टाइम भी दे दो गई फिर। इसलिए मैंने कहा था ना, दावत और तबलीग के अंदर दावत का और तबलीग दो चीजें हैं, और ये दोनों चीजें वक्त के साथ तो किसी ने खास नहीं किया, इसीलिए तबलीग में कहा जाता है की 24 घंटे की जिंदगी तबलीग के बना दावत के बना बल कर, अब सिखाने के लिए जो है उसको उसमें जोड़ा जाता है, वही तो बोल रहे हैं सर, ये जो हम लोग देख रहे हैं हर जुमेरात को मस्जिद में चिल्ले की जमात आती है, ठीक है, तो हर जुमेरात को आती है, ये टाइम तो हो गया भाई, जुमेरात को क्यों आती है, जुमा को क्यों नहीं आती है, शनिचर को क्यों नहीं आती है, इतवार को क्यों नहीं आती, जुमेरात को कई को आती है, ये बोलते हैं ना लोग सामने वाला। नहीं इसलिए रहते वो असल में वक्त की टाइम वहाँ पर है ही नहीं है, जुमेरात की ही को आना, इसलिए कई मसाइल में किसी में जुमेरात है, किसी में बुध के दिन व्यस्त होता है, और हर 40 दिन में जमात आना भी जरूरी नहीं है, हाँ, और आती भी नहीं है हर 40 दिन में, इसे जितनी जमातें ही नहीं है, ठीक है, मतलब जो मतलब उमूमन जो होता है वो बोला जा रहा है, मतलब जैसे अक्सर आती है जमात, कभी आ गए कोई बाहर से आई, जैसे चाइना से आ गई, कोई बोले मलेशिया से आ गई, बोले कहाँ से आ गए, तो वो अलग मैटर है, लेकिन जो आवाम जो करीब करीब की जो जमात होती है वो जुमेरात को ही निकलती है और जुमेरात को ही मस्जिद में पहुंचती है। और दूसरी बात ये है, इसी तरीके से वो लोग भी बोलते हैं, सामने वाला भी यही बोलता है कि भाई हम लोग जो है कुरान खानी सिर्फ 3 दिन को थोड़ा करते हैं, हम तो 10वां को भी कर लेते हैं, 5वां को भी कर लेते हैं, और वही से भी जब इंतकाल होता है बंदे का तो उस वक्त भी कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं इसीलिए जब इंतकाल होता है तो उस वक्त कुरान पढ़ता है, तो उसे किसी ने मना नहीं किया, इसलिए हर एक यहाँ पढ़ गए, इसके अलावा जो तयन कर लेंगे 30 दिन का 40 दिन का इसे मना करते हैं, ये 30 हो गई नहीं, और ये 40 दिन के अलावा सुनिए सुनिए 50 दिन नहीं करते या 30 दिन नहीं करते, 25 दिन कुरान खानी नहीं करते, हम लोगों ने देखा है कई लोग जो है 40वां जो है 30वें दिन में कर लेते हैं, 35वें दिन में कर लेते हैं, जिसको जैसी सहूलत होती है उसके हिसाब से, इसको कोई वाजिब फर्ज और जरूरी नहीं समझता है, ये सहूलत के हिसाब से, जैसे अभी अभी हर मदारिस का एक टाइमिंग फिक्स कर दिया गया भाई की दस्तार बंदी जो है फला तारीख को होगी, ठीक है, खत्म बुखारी फला तारीख को होगी, या मतलब मदरसे का इफ्तिताह जो है फला शवाल को होगा, हाँ, और क्या बोलते हैं कि इख्तिताम जो है वो शाबान को होगा, अब कोई बोले अरे ये तो बिदअत हो गया,
तुमने इसको जो है हर शव्वाल को शुरू किया है और हर शाबान को बंद किया है मदरसा, तो ये तो बिदत हो गया। ये क्यों बिदत बनेगा? इसलिए कि बिदत कहते हैं हिदायत के दीन है, दीन में कोई चीज पैदा करना, वो तो मदारिस में किया गया है और बाजार जो असल दीन है, दीन के अंदर तो कोई कुछ नहीं किया उन्होंने। जैसे कुरान खानी वगैरह या कुरान पढ़ना या जिक्र अज़कार करना, जिक्र अज़कार करना, कुरान की तिलावत करना, ये दीन में है। लेकिन ये दीन में है तो जिक्र अज़कार करना दीन में है, कुरान खानी करना यानी कुरान खानी यानी कुरान पढ़ना दीन में है। तो कुरान पढ़ना जब दीन में है तो तारीख जो मुतअय्यन किया उसको कोई दीन तो समझता ही नहीं है, उसको कोई दीन समझा ही नहीं है। जो करते हैं वो भी बोलते हैं भाई हम इसको दीन स्वयं दीन को हम दीन दीन नहीं समझते, मतलब दीन को मतलब दीनी एतबार से कि भाई दीन को तीन को करेंगे तो ही सवाब मिलेगा, चार को करें तो सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा तो मतलब कोई किसी का शायद नजरिया नहीं है। तो इस वजह से जो है हम लोगों को भी थोड़ा सा समझाने में या तो गलती हो रही है या समझने में गलती हो रही है, इस वजह से सवाल बार बार उठ रहा है। ठीक है सर, फिर आपसे डिस्कस करते हैं, थोड़ा टाइम हो गया, मैं कहीं जाने वाला हूँ। जी जी अच्छा, परेशान तो नहीं किया ना आपको? नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि आपसे कभी भी फोन करके मैं बात आपसे कर सकता हूँ ना सर? हाँ इंशाल्लाह जरूर। ठीक ठीक।